स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूँ तमन्ना। चलिए आज हम आपके साथ एक गेम खेलते हैं। आपको बस इतना बताना है कि मुंबई के नक्शे में अपर वर्ली कहाँ है। दिख रहा है आपको? नहीं ढूंढ पाए ना? ठीक है, फिर आप न्यू कफ परेड ढूंढने की कोशिश कीजिए, ये भी नहीं मिलेगा। सच तो है कि आप क्या हम भी कोई नहीं ये ढूंढ सकता है, क्योंकि ये इलाके हैं मुंबई में लापता गज। दरअसल मुंबई में बिल्डरों ने इलाकों को पॉश नाम देने की स्ट्रेटजी अपना ली है, ताकि घर खरीदारों को लुभाया जा सके, और कई जगह तो इसके लिए वो ग्राहकों से प्रीमियम भी चार्ज करते हैं। लेकिन बिल्डरों के इस मार्केटिंग पर शिवसेना ने सवाल उठाए हैं। शिवसेना के राज्यसभा सदस्य अनिल देसाई ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखकर ऐसे बिल्डरों पर कार्रवाई करने और सजा देने की मांग की है। तो क्या इस रीब्रांडिंग पर इतना गुस्सा जायज है, या फिर बिल्डर वाकई खरीदारों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं शिवसेना की प्रवक्ता मनीषा कायंदे, इमेज गुरु दिलीप चरियन, रियल एस्टेट डेवलपर्स की संस्था क्रेडाई के पुणे डिवीजन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रोहित गेरा, और प्रॉपर्टी कंसल्टेंट फर्म लाइसेंस फोरास के MD पंकज कपूर। स्वागत है आप सबका। पंकज, सबसे पहले ये ट्रेंड हमें समझाएं, क्या ये एक्चुअली काम करता है? क्या खरीदार अपर जुहू या BKC एनेक्सचर समझकर ज्यादा दाम देते हैं उन इलाकों के लिए जहां दाम वैसे रिलेटिवली थोड़े कम हैं? देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि हमेशा रियल एस्टेट में जो बिकता है वो उसकी लोकेशन होती है। तो और ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट आज के दिन आते हैं और जब एक लोकेशन का एक्सपेंशन होता है, तो उसमें ज़्यादातर प्रोजेक्ट एक इन्फीरियर लोकेशन के लिए पे आते हैं। तो ये जो इन्फीरियर लोकेशन होती है, इसमें एक नया जो है एक नई डेमोग्राफिक आनी होती है। तो बिल्डर जो है, अगर हम उस इन्फीरियर लोकेशन के नाम पे, जिसके साथ उसका एक स्टिग्मा है, वहाँ अगर उस नाम से अगर बेचना चाहेंगे तो इतने ग्राहक उस तरफ इंटाइस नहीं होते। और यही कारण होता है कि लोकेशन का नाम चेंज कर करके एक उस लोकेशन की न्यू ब्रांडिंग करने की कोशिश की जाती है। और ये इसके लिए ही होता है क्योंकि कोई भी ग्राहक है वो पहले लोकेशन देखता है, उसके बाद प्रोजेक्ट और डेवलपर देखता है, और यही कारण है कि ऐसी आपको फिनोमिनन होते हुए। नहीं, लेकिन देखिए, मुंबई की खासियत है, जब ग्राहक आमतौर पर लोकेशन देखते हैं तो वो वहाँ की फैसिलिटीज देखते हैं, स्कूल कॉलेज अस्पताल कहाँ आसपास है। मुंबई में एड्रेस को लेकर एक अलग ही ऑब्सेशन है, और वो बगल बगल में चीजें हो, लेकिन जुहू में रहना और उसके बगल में कोई और जगह पर रहना बिल्कुल अलग बात है। गेरा जी, अब शिवसेना कह रही है कि ये धोखेबाजी है, ये धांधला है पूरे कस्टमर्स के साथ, क्योंकि जो है वो आपको कहना चाहिए, और दूसरी चीज है कि मुंबई की संस्कृति को बिगाड़े क्यों जा रही है? देखिए, एक मैं ये नहीं मानता। पहली जो बात है, यदि कोई डेवलपर कोई इलाके का नाम उसे और कोई इलाके में वही नाम लगाए तो वो गलत बात है। अगर आपने अपर वर्ली कह दिया, न्यू कफ परेड कह दिया, तो द डेवलपर इज वेरी क्लियर कि ये नया इलाका है। और अल्टीमेटली देखिए, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि कस्टमर जो है उन्हें ये अच्छा लगता है। अगर आप कहें कि जो घर खरीद रहा हो और वो अपने कोई दोस्तों रिश्तेदार को कहे, मैं न्यू कफ परेड में रहता हूं, मैं अपर वर्ली में रहता हूं, ही प्रेफर्स दैट, तो इसमें गलत बात क्या है? तो वाकई अपर वर्ली मतलब ऐसे आप अपने मन से जगह बना देंगे, अपर वर्ली है और एक पत्थर फेंके और आप लोअर परेल में हैं, तो गेरा जी वो कहीं ना कहीं तो आप एक पूरा शराड आप बैठा रहे हैं, जो नहीं है वो दिखा रहे हैं। जो लोकेशन है उसका पहला जो नाम जिसने दिया था वो भी तो किसी ने नाम दिया था ना। लेकिन डेवलपर कौन होता है नाम चेंज करने के लिए? मनीषा कायंदे भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। व्हाट्स इन अ नेम, अच्छी बात है, क्योंकि व्हाट्स इन अ नेम मतलब आपका स्क्वायर फुट रेट 10-10 हजार बढ़ जाता है नाम के बेसिस पर। एक मिनट मनीषा कायंदे जी, देखिए जो बिल्डर्स कर रहे हैं वो केवल एक ब्रांडिंग कर रहे हैं, जो भी घर खरीदेगा वो जाकर देखेगा कि वो कहाँ पर है, वो पता, वो थोड़े ना इतने करोड़ दे देगा बिना जाने कि वो जगह कहाँ पर है। बिल्कुल, तो ये ब्रांडिंग है बस, इसमें इतना क्यों आप लोग नाराज हो रहे हैं, कौन सी बड़ी बात है? नहीं देखिए, किसी भी चीज का, किसी भी जगह का, रेलवे प्लेटफॉर्म हो, कोई रास्ता हो, कोई चौक हो,
उसका अगर कोई नाम रखना है या तो नाम बदली करना हो तो उसके लिए कोई प्रोसीजर होता है। अभी मुझे कि एक कफ परेड या एक कोई ओरिजिनल नाम है, वरली परेल, ओके, तो क्या आपको शर्म आती है ऐसे नाम बताने में? तो जुहू, जुहू कहने में शर्म आती है? अपर कहेंगे तो अपर मतलब क्या आप कोई इलीट क्लास क्रिएट कर रहे हो? और हु इज द बिल्डर टू नेम ऑल दीज, रीनेम ऑल दीज प्लेसेस? न्यू कफ परेड हो, अपर वर्ली हो, अपर जुहू हो, तो दिस इज एब्सोल्युटली इलीगल। यू कैन नॉट नेम, यू कैन नेम योर ओन बिल्डिंग, दैट्स ऑल। एंड इवन इफ यू हैव टू चेंज द नेम ऑफ योर बिल्डिंग, यू हैव टू टेक परमिशन ऑफ दिस कमिटी। यू कांट जस्ट रीनेम समथिंग ऑन योर ओन, इट इज नॉट योर ओन प्रॉपर्टी। ओके ओके जी, जी गेरा जी, देखिए इफ अगर मुझे अपने बिल्डिंग के नाम का नाम रखना है एंड द एक्सटेंशन ऑफ द नेम इज अपर वर्ली, लोअर वर्ली, जैसे आप चाहें, वो डेवलपर का बिल्डिंग का नाम है। कोई डेवलपर आज नहीं कहता कि ये पूरा इलाका को मैं रीनेम कर रहा हूं, उनका तो हक ही नहीं बनता। लेकिन आप ऐसा इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि आपका बिल्डिंग का नाम दिलीप अपर जुहू देन। दिलीप तमन्ना जी, तमन्ना मुझे बताइए कि जुहू, जुहू एक जुहू नाम है, बराबर है? इट्स अ पहले से नाम है। अंधेरी, वरली, परेल, ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज के भी नाम है। नहीं लेकिन मनीषा जी, देखिए दिलीप अपर कहां से आया? व्हाट इज दिस अपर? अपर इज अपर रेट, अपर इज अपर रेट। दिलीप चरियन जी, ब्रांडिंग के आप गुरु हैं, आप अगर नाम बदल दे तो क्या पूरे उसकी ब्रांडिंग बदल जाती है? जैसे गिरा जी कहते हैं, पंकज जी कहते हैं कि लोगों को पसंद आता है ये कहने के लिए कि हम अपर जू में रहते हैं, वो शायद नहीं कहना चाहते हम अंधेरी में रहते हैं, या तो वो न्यू कफ परेड अपना एड्रेस बताना पसंद करते हैं, वो नहीं कहना चाहते कि हम वडाला ट्रक टर्मिनस के पास रहते हैं, तो उसमें कौन सी बुरी बात है? तमन्ना जी, तमन्ना जी, ये सब मार्केटिंग का खेल है और मार्केटिंग एक माया जाल है। तो इसमें कोई, मेरे ख्याल में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वक्त एक और चर्चा चल रही है, कहीं और विवाद चल रहा है कि कोई सेलिब्रिटी फ्लैट को एंडोर्स करे तो वो फ्लैट का क्वालिटी भी एंडोर्स कर रहा है। मेरे ख्याल में जो फ्लैट खरीदने वाला है उनको पता है कि वो वर्ली में रह रहे हैं कि जुहू में रह रहे हैं, उनको सब कुछ पता है, और वो पता करके ही बिल्डिंग के नाम पे कोई पर स्क्वायर फुट दाम नहीं देते हैं। लोकेशन के हिसाब से लोग पैसे देते हैं, और जो फ्लैट खरीदने वाले हैं उनके तीन एडवाइजर्स होते हैं, एक है उनका नेबर, दूसरा है उनका बैंकर, और तीसरा है उनका ब्रोकर। इन तीन के अलावा कोई भी फ्लैट खरीदने वाला सोचता नहीं है कि मुझे इतना पैसे देना है पर स्क्वायर फुट की उतना, नाम की वजह से स्क्वायर फुट बढ़ाते हैं। ये मेरे ख्याल में बिल्डर्स का एक मोह है, वो सोचते हैं पर वो फ्लैट का रेट बढ़ता नहीं है। नहीं रेट के ऊपर पंकज जी, लेकिन यहाँ पे नहीं पंकज जी, जी तमन्ना, तमन्ना आस्क देम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपर जुहू, वो सुन सकते हैं आपकी बात, ऑफ अपर वर्ली, मनीषा जी आपकी बात सुन सकते हैं, कैन यू आस्क देम एन एक्सप्लेनेशन? नहीं नहीं, वो मैं सुन सकते, वो सुन सकते हैं आपकी बात, लेकिन पंकज मुझे क्योंकि बात आती है पर स्क्वायर फुट रेट की, ठीक है हम असली मुद्दे पर आ जाएं। क्या ये नाम बदलकर जो प्रोजेक्ट्स इस समय बिक रहे हैं, और स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स हैं, सब जानते हैं कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, क्या इन प्रोजेक्ट्स में एक प्रीमियम मांगा जा रहा है? बिल्कुल नहीं मांगा जा रहा है, मुझे लग रहा है खाली नाम की वजह से कोई प्रीमियम नहीं आता है। और मैं एक चीज बताऊं कि जो अपर वर्ली हुआ या फिर अपर जुहू हुआ, ये एक्चुअली इंफीरियर डेमोग्राफिक इन द सराउंडिंग ऑफ जुहू है, लेकिन क्योंकि बिल्डर वहाँ एक प्रोजेक्ट लेके आया है, जब प्रोजेक्ट लेके आता है उसके साथ वो नई डेमोग्राफिक भी लेकर के आता है। अब क्वेश्चन क्या होता है कि आपकी जो एग्जिस्टिंग डेमोग्राफिक है, इंफीरियर डेमोग्राफिक को आप इंफीरियर डेमोग्राफिक थोड़ा विस्तार से बताएं। इंफीरियर डेमोग्राफिक का आपको, अगर मैं कहता हूँ की एक एलाइड क्लास है, एक लोअर एंड है, एक मिड एग जी, वो जवाब देखिए डेमोग्राफिक के अंदर भी आपने क्वेश्चन किया था, आपने बोला था कि आपने जुहू इस, मनीषा जी वो जवाब दे रहे हैं, आप सुन लीजिए और फिर आप बताएं। एक जी
देखिए कोई भी एक लोकेशन होती है, उस लोकेशन को आप बोलते हैं, आप पेडर रोड है, करमाइकल रोड है, आप जुहू है, ऐसी लोकेशन है, ये लाइट क्लास कहलाती हैं। लेकिन आप अगर दूसरी लोकेशन देख लीजिए, चाहे वो कुर्ला हो गई या फिर आपकी ईस्टर्न सबब के कुछ एक लोकेशंस हो गए, अब इन लोकेशंस के अंदर वहाँ पे लोअर एंड डेमोग्राफिक रहती है, तो इसके लिए उसके साथ एक स्टिग्मा भी क्रिएट हो जाता। आज एक आदमी को आपको चॉइस दीजिए कि आप कहाँ रहना पसंद करेंगे, तो आदमी वहीं रहना पसंद करना चाहता है। अच्छा पंकज जी, तो मेरा इससे पहले सवाल था, मेरा जो इससे पहले सवाल था कि प्राइस का कोई डिफरेंस है या नहीं, तो आप मानते हैं कि अंधेरी में एक फ्लैट के रेट और जुहू में एक फ्लैट के रेट अलग है, ये आप मानते हैं? बिल्कुल अलग है, लेकिन okay. कोई आदमी जब 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 अंधेरे में एक फ्लैट अपर जुहू के टैग से बिक रहा है, तो उसके बगल वाले फ्लैट से उसके दाम अलग होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। वो अपर जुहू जो है वो डेवलपर का एक प्रोजेक्शन है, लेकिन जो आदमी घर खरीद रहा है, तो अगर जुहू में 40,000 रुपए का भाव चल रहा है, ये लोगों ये लोगों को आपको आपका 20,000 रुपए का 22,000 रुपए का भाव चल रहा हो। ओके मनीष, अपर नाम किसने दिया? देर इज नथिंग लाइक अपर। ये अपर नाम आया कहाँ से? ये कोई लीगल नाम भी नहीं है। और nobody has a right to change the name of a road. Marketing में कोई legal नाम is changing the name of a road. Procedure for it. किसी को अपने building को White House. You are the king of Mumbai and you can do anything. सब हिंदी में बोलेंगे, please आपसे request करती हूँ जी, दिलीप चेरियन जी पहले। किसी भी building अगर आपने आपको बोलते हैं कि मेरा नाम है White House, तो लोग क्या व्हाइट हाउस वॉशिंगटन सोच के खरीदेंगे? मेरे ख्याल में ये सब मेरे ये एक मार्केटिंग का तरीका है। अगर आपका नाम भी बदलना है तो आपको ऐसा बायर है गैजेट में जाकर नाम बदली करना पड़ता है। मेरा एक ओके हाँ जी पंकज जी, मेरा एक दूसरा रुक भी है, मेरा एक इसमें दूसरा रुख भी है कि जब एक एडजॉइनिंग लोकेशन है तो आप उसमें अपर रखिए या लोअर रखिए, या अपर जो हो या लोअर परेल बोलिए, उस पर इतना ज़्यादा तथ्य नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे तब होती है जब कोई डेवलपर थाना बोल के कल्याण में प्रोजेक्ट होता है, उसको बोलता है अगर तो वो इतना तो बड़ा जॉइंट है जिसके बीच में 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तब है। तो ये मैं जरूरी समझता हूँ, इसलिए मराठी नाम लेने में शर्म आ रही है, इसलिए ये सब बदली करना चाहते हैं। दे आर अशेम्ड ऑफ द ओरिजिनल नेम्स, दे हैव अ स्टिग्मा विद द अर्लियर नेम्स। नहीं, अब वर्ली और जुहू तो हमारे ट्रेडिशनल नाम है मनीषा जी, उनको बस पॉइंट ये है कि आपको अंधेरी में जुहू के रेट पर फ्लैट बेचना है। हाँ, तो अपर कहने का, मगर ये अपर आया कहाँ से? क्योंकि आपको अंधेरी में जुहू के रेट पर फ्लैट बेचना है। नथिंग लाइक अपर एंड लोअर। 22,000 स्क्वायर फुट वाली एरिया में 40,000 स्क्वायर फुट लेने हैं, तो इसलिए आपने रीब्रांड कर दिया है, तो जो खरीदेगा वो तो देखकर ही खरीदेगा, तो उनकी और तमन्ना जी, के बीच में है। तमन्ना जी, मेरे हिसाब से आप कस्टमर को, आप ग्राहक को, यू आर ट्रीटिंग देम एज दो दे आर कंप्लीटली डू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, कि 22,000 देके वो जाके 40,000 देगा क्योंकि किसी ने उसके ऊपर कुछ स्टिकर अलग लगा दिया है। ये जो आप 40,000 का रेट देते हैं लोग, अगर वो 1,000 स्क्वायर फुट का घर खरीद रहे हो तो ये 4 करोड़ का घर हो जाता है। These are educated, intelligent people. बिल्कुल। ओके, तो मनीषा जी, जब ग्राहक जो 2 से 4 करोड़ के बीच में स्पेंड करने वाला है, क्योंकि एक बात हम मानते हैं, ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हाई एंड प्रोजेक्ट्स हैं, कोई इसमें अफोर्डेबल हाउसिंग की स्कीम के तहत घर नहीं बन रहे हैं, ये पॉश प्रोजेक्ट्स हैं, जो जाकर खरीदेंगे वो देखकर छानबीन कर खरीदेंगे, तो उनकी बला से अगर वो ज्यादा रेट दे रहे हैं, किसी कारण से दे रहे हैं, तो उनके और बिल्डर के बीच में है, इसको आप पॉलिटिकल इशू क्यों बना रही हैं? नहीं सुनिए, ये पॉलिटिकल इशू नहीं है। हमारे एक MPA मिस्टर अनिल देसाई जी और शिवसेना के सचिव भी है, उन्होंने मुख्यमंत्री जी को एक खत लिखा है और उसमें कहा है कि बिल्डर्स ये जो स्वयं घोषित एरिया के नाम बदली करते हैं, जैसे अपर जुहू, अपर अंधेरी, उसके बाद न्यू कफ परेड, ये जो है तो ऐसे कोई एरिया एग्जिस्टेंस नहीं है। देर इज नथिंग लाइक अपर जुहू, देर इज जुहू है, अंधेरी है, वडाला है, देर इज नथिंग लाइक न्यू कफ परेड। ओरिजिनल नाम आपको किसने ये अधिकार दिया? और उसे अगर आप दाम बढ़ाने वाले हो, लोगों को बहलाने वाले हो, यू आर गोइंग टू चीट अपॉन पीपल।
There is a larger design to it. You want to cheat the people. Okay. And that is why we are opposing it. देश में ये हो रहा है. ये सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, मुंबई में नहीं, कई जगहों में हो रहा है. देखिए नोएडा में, ग्रेटर नोएडा है, दिल्ली में भी हुआ है, नोएडा एक्सटेंशन है, और ये सब चीजें से जो ग्राहक है वो सोच समझ के इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो लोग है एक ही बार घर खरीदने में इन्वेस्ट करते हैं. ओके नहीं तो ये देखिए एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा यहाँ पर, लेकिन अब ये काफी इंटरेस्टिंग हो रहा है, क्योंकि वाकई आपने सही कहा, ये सिर्फ मुंबई की कहानी नहीं है. रीब्रांडिंग करते हैं डेवलपर, क्योंकि उनको लैंड सस्ते में मिल रही है ऐसे इलाकों में जहाँ पर रेट्स कम है, लेकिन वहां पर वो एक हाई एंड प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं, तो उसकी ब्रांडिंग कैसे चेंज करें, ये एक तरीका है, जायज है या नहीं, इस पर हम चर्चा करेंगे, जारी रखेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, जाएगा नहीं. न्यू कफ परेड, अपर जुहू, अपर वर्ली, ये सब नए नए जगह पैदा हो रहा है मुंबई में, लेकिन ये आपको दिखेंगे सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में जहां पर फ्लैट बेचे जा रहे हैं. इस पर अब शिवसेना ने आपत्ति जताई है. गेरा जी, एक और जो बात उस चिट्ठी में लिखी गई है जो अनिल देसाई ने लिखी है मुख्यमंत्री को, कि इससे मुंबई की जो सांस्कृतिक और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है ये सब भी बिगड़ रहा है, वहां का जो ट्रेडिशन है वो बिगड़ रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, यदि कोई डेवलपर अपने प्रोजेक्ट को कोई लोकेशन का नाम देता है तो पहली बात तो यह है कि वो पूरे इलाके को का नाम बदली नहीं करता. एक तो ये बात हुई. दूसरी बात जो है कि अगर ग्राहक जो कस्टमर हैं उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी कि ये लोकेशन गलत है तो दे विल नॉट यूज दैट नेम. सो इट इज नॉट कि कोई डेवलपर ने नाम दे दिया और पूरे इलाके का नाम बदली हो गया और कल से उस इलाके के सब लोग वो इलाके को उस नाम से बुलाएंगे, तो ये तो ऐसे ऐसे नहीं होता ना. नहीं, लेकिन जैसे मैं देख रही हूँ आपसे बात करते करते, मैं चेक कर रही हूँ न्यू कफ परेड में, मुझे साइट एड्रेस, बाकी तो एड्रेस है ही, साइट एड्रेस में न्यू कफ परेड लिखा हुआ दिख रहा है. यानी अगर कोई इन्वेस्टर है जो मुंबई का ना हो, विदेश में बैठा कोई इन्वेस्टर है चीटिंग, जो पैसे लगा रहा है वो क्या जाने न्यू कफ परेड और वडाला ईस्ट और वडाला वेस्ट फॉर एग्जांपल, उन्हें क्या पता, वो तो इसको सीरियसली ले लेंगे. तमन्ना जी, जी जी दिलीप, तमन्ना जी, ये जो आप सिचुएशन कह रहे हैं वो कुछ साल पहले था जब लोग इन्वेस्टमेंट के तौर से फ्लैट्स खरीद रहे थे और जो उस टाइम जो उस टाइम जो इन्वेस्टर्स थे वो काफी स्पेकुलेटिव मार्केट में थे. पर अब जो लोग खरीद रहे, मेरे ख्याल में न्यू कफ परेड में रहने वाले लोग एटलीस्ट उसको गूगल मैप्स पे सर्च करके ही लेंगे जगह, और उसके बिना मेरे ख्याल में पिन कोड और ये सब चीजें मैजिक ब्रेक्स या जो भी प्रॉपर्टी साइट है उसमें आपको डालना पड़ता है, तो जब वो डालेंगे आपको एक्चुअल सही जगह मिल जाएंगे. तो इज इट दैट सिंपल एज दैट मनीषा जी? जैसे आप अगर कह रहे हो कि संस्कृति उस जगह की खराब होती है. नो, नॉट एट ऑल. इट इज नॉट एट ऑल एब्सोल्यूट जी. इट इज इट्स अ चीट. दे आर चीटिंग पीपल. नहीं, चीटिंग पीपल एक बात है, चीटिंग पीपल एक बात है. एंड लेट मी टेल यू तमन्ना, दिस इज दे आर अशेम्ड ऑफ द ओरिजिनल नेम. दे डोंट वॉन्ट टू टेल पीपल दैट दे आर लिविंग इन वडाला. दे आर अशेम्ड ऑफ सर्टन नेम्स एंड दे डोंट वॉन्ट that they should merge with the local community over there. Jee. You know, people living in Wadala, lower middle class, upper middle class, middle middle class. And that's why they want to show that they are something apart. Jee, Manisha ji, Hindi mein please. Hum inse kuch alag hai. Ye dikhane ki koshish hai. Hum lick it. Yeah, sorry, Tamanna. But Jee. Ye main kehna chahti hoon, ke ye logo ko मतलब झांसा देने की कोशिश कर रहे हैं. अभी हर कोई लेके गूगल मैप लेके कोई बैठता नहीं है. नहीं, पंकज जी ने दिस इज एब्सोल्युटली ये बहुत ही गलत है. नहीं, और ये लोगों को चीट करने का मामला है. आप ऐसे कोई भी जगह का नाम बदली नहीं कर सकते हो. ये अपर जू नाम का कोई एरिया नहीं है. हर एक मिनट मुझे बात पूरी करने दीजिए. पॉलिटिकली भी आप देखेंगे तो एरिया का असेंबली का नाम होता है. वर्ली असेंबली है, वडाला असेंबली है, अंधेरी असेंबली है, ईस्ट है, वेस्ट है. ये आपको अधिकार किसने दिया?
अगर आप रोड का भी नाम बदली करना चाहते हो तो आपको बीएमसी में अप्लाई करना पड़ता है। नाम बदली थोड़े ना कर रहे हैं मनीषा जी, लोक प्रतिनिधि है। दूसरे साइड का अगर मैं आर्गुमेंट आपके पास रखूं, आपके सामने रखूं मनीषा जी, वो सचमुच थोड़े ना नाम बदल रहे हैं, वो उसको एक ब्रांडिंग कर रहे हैं। आर्गुमेंट में कोई दम नहीं है, आर्गुमेंट में कोई दम नहीं है पंकज जी। प्रोडक्ट विच फैक्ट ये जो अस्तित्व ये पूरा आर्गुमेंट को अगर मैं दूसरे तरीके से देखूं तो मुझे ये लगता है कि काफी सारे जो एरियाज थे जो एक वक्त पे स्लम बन गए, जहां पे डेवलपमेंट नहीं हुआ, आज वहां पे डेवलपर एक प्रोजेक्ट लेके आता है जिसमें स्लम रिहैब कर रहा है, बट उसके साथ एक बड़ा सा स्टिग्मा है। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, ऐसी कई सारी लोकेशन है जो एक्चुअली एक कंज्यूमर वहां जाके रहना नहीं पसंद करता, क्योंकि या तो वो रेड लाइट एरिया था या फिर स्लम एरिया था, ये इस तरीके का एरिया था, वहां पे एक डेवलपर गया, उसने प्रोजेक्ट्स डाला, लेकिन उस स्टिग्मा से अपने आप को डिसोसिएट करने के लिए उसने प्रोजेक्ट को एक सेपरेट नेम में डाला और उसके बाद उस पूरी लोकेशन की प्रोफाइल चेंज हो गई। तो मैं तो ये करूंगा कि अगर लोकेशन की प्रोफाइल कदम उठा रहा है तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। एक एड में लोकेशन के नाम बनाने से लोकेशन की प्रोफाइल कैसे चेंज होगी? शर्म आती है वहां रहने में तो ना जाएगा। आपको शर्म आती है? नाम एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, मुझे छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लेकिन आप ये सोचो ब्रेक के पहले पास एक बात, आपके गेट के अंदर बड़े गार्डन होंगे, स्विमिंग पूल होंगे, में फिनिक्स मॉल बनाए तो लोग जाते हैं ना, बाहर निकल कर अगर गंदा नाला है तो उसको आप नहीं बदल सकते, वो तो आपके लिए है। छोटा सा ब्रेक लेंगे, छोटा सा ब्रेक लेंगे, लौटेंगे, जल्दी जाएगा नहीं। नाम बदलने से सब कुछ बदल जाएगा, ये सवाल अब उठ रहा है। मुंबई के लापता गंज इलाकों की हम बात कर रहे हैं, जैसे अपर जुहू, अपर वर्ली, न्यू कफ परेड, जहां आपको मैप पे नहीं मिलेंगे लेकिन एक बिल्डिंग के एड्रेस पर जरूर मिलेंगे। मनीषा जी, आप बात करें लीगैलिटी के, वाकई कोई ऐसे इलीगैलिटी शायद मिलना आपके लिए मुश्किल होगा इसमें, क्योंकि इलीगैलिटी क्या है? नहीं, इलीगैलिटी ऐसा है कि कल के मुझे अगर दादर नाम नहीं पसंद आया, अगर मैं एक बिल्डर हूँ, मुझे दादर नाम खराब लगता है, तो मैं उसको अलग नाम से पुकारूं, तो ये अधिकार किसने दिया आपको? नहीं, इसमें गैर कानूनी तो क्या आपको है? आपको कोई चीज का नाम पसंद नहीं है, गैर कानूनी अगर क्या आपको है? खुद का नाम पसंद नहीं है तो भी आपको गैजेट में, गैर कानूनी है। आप लोगों को जो एरिया अस्तित्व में नहीं है उसका सपना दिखा रहे हो। अपर जू नाम की कोई जगह ही नहीं है। ओके, अंत में गेरा जी, कफ परेड नाम की कोई जगह गेरा जी, क्या डेवलपर्स को कम से कम ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए? एक लाइन जैसे डिस्क्लेमर होती है वो बतानी चाहिए कि ये अपर जूहू का नाम सिर्फ हमने प्रोजेक्ट के लिए रखा है, आपका जो रेजिडेंशियल एड्रेस या पिन कोड होगा वो वैसा वैसा ही होगा। नाम का आपका अधिकार किसने दिया? गेरा जी, कम से कम वो पारदर्शिता होनी चाहिए। देखिए, ट्रांसपेरेंसी के तरफ से अगर आप देखें तो जितना आप ज्यादा ट्रांसपेरेंट कस्टमर के लिए करोगे, जितना ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आप बढ़ाओगे, इट इज नॉट इनफ एंड इट इज एक्सेलेंट। सो देयर इज नथिंग व्हिच गोज अगेंस्ट ट्रांसपेरेंसी, ये तो अच्छी बात है। ओके, ठीक है पंकज जी, अंत में हमने बात की कि डेवलपर्स ऐसा कर रहे हैं, लेकिन क्या ये प्लान उनका चल रहा है? क्या ऐसी जगहों की बिक्री ज्यादा है जहां पर उन्होंने नेम चेंज किया है ताकि स्टिग्मा हट जाए वगैरह वगैरह? ऐसा नहीं होता है। एट द एंड ऑफ इट, आदमी जब घर खरीदता है तो जाके डेमोग्राफिक देखता है, प्रोडक्ट देखता है, और ये भी नहीं है कि उसने नाम चेंज कर दिया तो उसे एक बहुत बड़ा प्रीमियम हो जाए, क्योंकि जो भी खरीदार है वो आज अगर 20,000 रुपए दे रहा है तो वो आपके गूगल के कोऑर्डिनेट के बेसिस पे भी घर नहीं खरीदता, वहां पे चार बार विजिट करता है, लोकेशन देखता है, सराउंडिंग देखता है, उसके बाद वो घर खरीदता है, तो ये गलत बात है। और जो प्राइस होता है वो लोकेशन और उसके नेबरहुड और प्रोडक्ट की वजह से होता है। okay. आप उसके नाम की वजह से उसका कोई प्राइस नहीं, नहीं होता। आप देखिए, मुंबई की एक जो सच्चाई है कि झुग्गी झोपड़ियों के बगल में, मैं इससे सहमत नहीं, बड़े बड़े टावर रहते हैं और दोनों स्लम ड्वेलर्स और अमीर रईस लोग भी नेबर रहते हैं, लेकिन एक दूसरे को वो रिकग्नाइज नहीं करना चाहते, शायद इसलिए इस तरह की मार्केटिंग यहाँ चलती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ आज के इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। नमस्कार। We'll be right back.